हेलो एवरीवन वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आई एम बैक विद एन अदर वीडियो सो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है सोशोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है तो इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट मैरिज तो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैरिज मीनिंग ऑफ मैरिज डेफिनेशन ऑफ मैरिज वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज एंड वट आर द टाइप्स ऑफ मैरिज जो रेस्ट टॉपिक है रिलेटेड टू मैरिज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे So let's get started with the today's topic that is marriage. So start with the introduction of marriage. Marriage hai? Marriage is one of the universal social institutions. It is established by the human society to control and regulate the sex life of human. इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली तो मैरिज क्या है एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसको एस्टेब्लिश किसने किया था किसने इसकी डिस्कवरी करी थी ह्यूमन सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी है उसने इसको एस्टैब्लिश किया था क्यों ताकि हम जो ह्यूमन है उनकी सेक्स लाइफ को कंट्रोल कर सकें रेगुलेट कर सकें बेसिकली मैरिज का क्या मोटिव है मैरिज का मोटिव है जो ह्यूमन की सेक्स लाइफ है उसको कंट्रोल किया जा सके नाउ कम टू द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एच लॉय मैरिज इज़ आ रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिशिबल मेट्स मैरिज क्या है एक परमानेंट बॉन्ड है उस पर्सन से जिसे हम लाइक like करते हैं ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कानूनी अलाउड है इसकी हमें परमिशन मिली है कि हम मैरिज कर सकते हैं इट इज़ लीगल नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मेलिनासकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन मैरिज क्या है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन मैरिज के बाद क्या होता है मेल फीमेल आपस में इंटीमेट होते हैं और उससे क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन तो मैरिज एक प्रोसेस है प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया मैरिज इज अ फिजिकल लीगल एंड मॉरल यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन इन कंप्लीट कम्युनिटी लाइफ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फैमिली सो so मैरिज क्या है अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया मैरिज एक फिजिकल और लीगल रिलेशनशिप है किसके बीच में मैन एंड वोमेन और वो क्या करते हैं एक फैमिली को कम्प्लीट करते हैं आफ्टर मैरिज तो जब एक पर्सन की मैरिज होती है जब मैन एंड वोमेन एक रिलेशनशिप में आते हैं तो इंटीमेट होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं चिल्ड्रन को जिससे क्या बन जाती है फैमिली तो बेसिकली मैरिज क्या है एस्टेबलिशमेंट ऑफ अ फैमिली नाउकम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज मैरिज के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं और शॉर्ट आउट में भी पूछा जाता है वट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज सो लेट स्टार्ट सो फर्स्ट वन इज़ मैरिज इज़ अ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन सो मैरिज क्या है यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब ये हर जगह पाया जाता है चाहे आप स्टेट ले लो चाहे आप कंट्री ले लो मतलब मैरिज है हर जगह होती है और इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज़ सो नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर मैरिज इज अ परमानेंट बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ तो मैरिज क्या है परमानेंट बॉन्ड है कोई टेम्परेरी बॉन्ड नहीं है मतलब टेम्परेरी रिलेशन नहीं है कि आज बनाया कल तोड़ दिया इट्स परमानेंट बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इट इज़ डिजाइन टू फुलफिल द सोशल साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल एंड रिलीजियस एम्स जब एक मैन एंड वोमेन रिलेशनशिप में आते हैं मतलब मैरिज हो जाती है हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं तो अपने सारे ड्रीम्स सारे एम्स को फुलफ़िल करते हैं लाइक like, सोशल हो गया साइकोलॉजिकल हो गया बायोलॉजिकल हो गया रिलीजियस हो गया कोई भी एम है उसको इकट्ठा साथ में मिलकर पूरा करते हैं सो इट इज़ परमानेंट बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज इज़ अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स एंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस तो मैरिज क्या है एक रिलेशनशिप है दो इंडिविजुअल का जो अपोजिट सेक्स है मतलब मेल एंड फीमेल एंड इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऐसा नहीं है मैरिज में कि हाँ एक के जो राइट्स हैं वो ज़्यादा है एक के कम तो हस्बैंड वाइफ के बराबर के राइट्स होने चाहिए बिकॉज जब रिलेशनशिप बनता है तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है ठीक है तो मैरिज भी एक ऐसा रिलेशनशिप है टू अपोजिट सेक्स का मतलब मैन एंड वूमेन का और उनमें दोनों के बराबर के राइट्स होने चाहिए ठीक मतलब तो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिलेशनशिप इज एंडोयरिंग एंडोयरिंग मतलब परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप तो मैरिज क्या है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज रिक्वायर्स सोशल अप्रूवल द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वोमेन मस्ट है अप्रूवल विदाउट विच मैरिज इज नॉट वैलिड जब भी कोई पर्सनल रिलेशनशिप में आता है मैन एंड वोमेन या फिर उनकी मैरिज होती है तो सोशली अप्रूवल होनी चाहिए अगर सोसाइटी इसको अप्रूवल नहीं दे रही है तो मतलब मैरिज वैलिड नहीं है मतलब जब भी पर्सन मैरिज करता है तो उसके पास प्रूफ होने चाहिए या वो कोर्ट मैरिज के प्रूफ होने चाहिए या फिर उनके पास लीगली डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे ये प्रूफ हो सके दे आर मैरिड सो मैरिज कपल के पास प्रूफ होना चाहिए कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है सो so दैट उनके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगा सके अगर उनके पास प्रूफ होगा अगर वो रिलेशनशिप में है तो सोसाइटी भी उनको अप्रूवल देगी अगर सोसाइटी उनको अप्रूवल नहीं दे रही है तो उस मैरिज को लीगल नहीं माना जाता उसको वैलिड नहीं माना जाता है एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं जैसे हिंदू मैरिज होती है जब मैरिज हो रही होती है तो वहाँ पर पंडित भी अवेलेबल होते हैं सोसाइटीज़ के मेम्बर्स भी अवेलेबल होते हैं रिश्तेदार भी अवेलेबल होते हैं तो एक प्रूफ हो जाता है कि ये जो मैरिज है ये वैलिड है तो वैसे ही अगर कोर्ट मैरिज कोई कर रहा है तो कोर्ट के वहां पे लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे ये प्रूव हो जाता है दे आर मैरिड तो जिससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती और सोसाइटी भी उस चीज को अप्रूवल देती है नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज एस्टेब्लिश फैमिली तो मैरिज क्या करती है फैमिली को बढ़ाती है जब भी कोई मैन एंड वूमेन आपस में इंटीमेट होते हैं रिलेशनशिप में आते हैं तो आगे बच्चे होते हैं और एक पर्टिकुलर फैमिली बन जाती है फैमिली हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ children. सो so मैरिज क्या करती है फैमिली को establish करती है जब भी मैन एंड वुमेन एक रिलेशनशिप में आते हैं आगे उनके बच्चे होते हैं और एक फैमिली बन जाती है तो मैरिज क्या करती है Establish करती है फैमिली को नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ द कपल फुलफिल दियर म्यूचुअल ऑब्लीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स और रूल्स देखो जब भी कोई रिलेशनशिप बनता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बनता है जब भी हमने कोई काम करता है तो हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस काम को पूरा करते हैं मतलब उनका कोई भी ड्रीम हो कोई भी एम हो तो मिलकर उनको फुलफिल करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने कस्टम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और जो भी उनके ड्रीम्स हैं एम्स हैं साथ में मिलके उनको कम्प्लीट करते, है, करते हैं फुलफिल करते हैं सो हेयर इज नेक्स्ट पॉइंट मैरिज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम सिविल एंड रिलीजियस सरमोनी ये सोशल एंड रिलीजियस सेरेमनी प्रोवाइड्स वैलिडिटी टू मैरिज जब भी किसी कपल की मैरिज होती है तो बहुत सी रिलीजियस सेरेमनी होती है सबके अपने अपने कल्चर होती हैं और अपने कल्चर के अकॉर्डिंग सेरेमनीज होती हैं तो ये सेरेमनी जो होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं है, वैलिडिटी टू मैरिज ठीक है तो क्योंकि जब भी सारे रिश्तेदार होते हैं या फिर कोई पंडित होता है हिंदू मैरिज में ले लो आप तो वो क्या करता है इसे एक प्रूफ बन जाता है कि ये जो मैरिज है ये वैलिड है ठीक है ये जो सरमनीज होती हैं वो वैलिडिटी प्रोवाइड करती है किसी मैरिज को कि ये जो मैरिज हो रही है ये वैलिड है इवन जो मॉडर्न मैरिज हो रही हैं लाइक कोर्ट मैरिज वो भी इन सरमनीज़ को या रिलीजियस जो हैं हमारे उनको इम्पोर्टेंस देते हैं दो मॉडर्न मैरिज परफॉर्म इन कोर्ट स्टिल इट रिक्वायर सर्टेन रिलीजियस और कस्टमरी प्रैक्टिसज़ सो नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज रेगुलेट सेक्स रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब कस्टम्स एंड लॉज तो मैरिज क्या करती है सेक्स रिलेशनशिप को रेगुलेट करती है अपने कस्टम्स और लॉज़ के अकॉर्डिंग सो हेयर इज़ नेक्स्ट पॉइंट मैरिज हैज सर्टेन सिम्बल्स लाइक रिंग वरमिलन स्पेशल क्लोथ स्पेशल साइन बिफोर द हाउस एक्सेट्रा तो जैसे ही मैरिज होती है या मैरिज से पहले जो भी हमारे कस्टम्स होते हैं जो रिचुअल्स होते हैं लाइक रिंग सेरमनी होती है वरमाला होती है और मैरिज के लिए स्पेशल क्लोथ्स लिए जाते हैं तो ये सारी सा, जो भी परंपराएं हम इनको फॉलो करते हैं सो so मैरिज में बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और जो भी हमारा कल्चर है उसको हम फॉलो करते हैं सो दीज ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ मैरिजिज मैरिजिज की कितनी टाइप्स होती हैं सो बेसिकली मैरिज हैज़ टू टाइप्स फर्स्ट वन इज़ मोनोगी एंड सेकेंड वन इज़ पॉलीगैमी और पॉलीगैमी इज़ ऑल्सो नोन एज प्लिगुरल मैरिजिज तो पहले डिस्कस करते हैं मोनोगेमी को तो मोनोगेमिक कौन सी मैरिज है किसे बोलते हैं मैरिज बिटवीन वन मैन एंड वन वोमैन जो जनरली मैरिज होती है एक मैन की एक वोमैन के साथ उसको बोलते हैं मोनोगेमी मतलब वोमैन भी एक होगी और मैन भी एक होगा दैट इज कॉल्ड मोनोगेमी इन अदर हैंड पॉलीगेमी किसे कहते हैं मैरिज ऑफ मोर देन वन मेड एट अ गिवन टाइम तो पॉलीगैमी क्या होता है एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा पार्टनर से शादी करना दैट इज़ कॉल्ड पॉलीगैमी इट इज ऑल्सो नोन एज प्लूरल मैरिजेस सो अब हम मोनोगेमी को डिटेल में डिस्कस करते हैं जैसे कि हमने डिस्कस करा कि मोनोगेमी क्या होता है वन मैन वन वोमैन से शादी करता है बट कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि वो रीमैरिज कर सकते हैं सो so, वो हम आगे डिस्कस करते हैं सो मोनोगी इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स फर्स्ट वन इज सीरियल एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेट सीरियल क्या होता है मैन कैन मैरी ओनली आफ्टर डेथ और डाइवोर्स फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ तो मैन कब शादी कर सकते हैं दूसरी अगर उसका जो पार्टनर है उसकी जो वाइफ है उसकी या तो डेथ हो गई हो या उनका आपस में डाइवोर्स हो गया तो वो दूसरी मैरिज कर सकते हैं और सेकंड आते है हमारा स्ट्रेट इसमें क्या हो सकता है री मैरिज इज़ नॉट अलाउड आइदर वन कपल ऑफ देम इज़ डेड और हैज़ डाइवोर्स सोस्ट्रेट so, में क्या होता है री मैरिज अलाउड नहीं होती जब तक जो कपल है उसका जो पार्टनर है या तो उसकी डेथ ना हो गई हो या फिर उनका आपस में डाइवोर्स ना हो गया हो चाहे वो मैन है चाहे वो वोमैन है नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीगैमिन पॉलीगैमी इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स पॉलीगैनी पॉलीड्री एंड ग्रुप मैरिज फर्स्ट वन इज पॉलीगाइनी पॉलीगैनी क्या होता है वन हजबेंड एंड टू मोर वाइफ मतलब एक मैन दो या दो से ज़्यादा वोमेन से शादी करे उसको बोलते हैं पॉलीगैनी ये मोस्टली मुस्लिम में होता है नेक्स्ट आते हैं पॉली एंड्री पॉली एंड्री पॉलीगैनी का अपोजिट है वन वाइफ एंड टू और मोर हस्बैंड मतलब एक वाइफ होगी और उसके दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड होंगे ये मोस्टली होता है स्रीलंका वगैरह में नेक्स्ट आते हैं ग्रुप मैरिज मतलब जो मैरिज ग्रुप में होती है मैरिज ऑफ सेवरल मैन टू सेवरल वोमेन फॉर एग्जाम्पल हो गया अफ्रीका न्यू न्यूजीनिया तो हर एक कंट्री का अपना अपना कल्चर होता है तो बेसिकली जो मैरिज है टू टाइप्स की होती है मोनोगेमी एंड पॉलीगैमी मोनोगेमी फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स सीरियल एंड स्ट्रेट एंड पॉलीगैमी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स पॉलीगैनी पॉली एंड ग्रुप मैरिज सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मैरिजिज सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू वीडियो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है ये सोशलॉजी का टॉपिक है जो जे नर्सिंग बी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बी के स्टूडेंट्स भी या फिर जो सोशोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज़ टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बब टेक केयर